नमस्कार दोस्तों, एक बार गणेश जी ने भगवान शिव से कहा, पिताजी आप यह चिता भस्म लगाकर मुंड माला धारण करके अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी है और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में रहते हैं। पिताजी आप एक बार कृपा करके हमें अपने सुंदर रूप का दर्शन कराइए और अपने सुंदर रूप में माता के सामने आएं। आपका वो रूप हम सभी देखना चाहते हैं। भगवान शिव ने गणेश जी की बात मान ली और कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर कोई भस्म नहीं थी। बिखरी हुई जटाएं भी अच्छे से सवरी हुई थी, मुंडमाला भी नहीं थी। सभी देवता यश गंधर्व शिवगण उन्हें बिना पलक झपकाए देखते रह गए। वो एक ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेवों को भी शर्मिंदा होना पड़े। गणेश जी भी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ जाइए। भगवान शिव ने कहा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों कर रहे हो? गणेश जी ने अपना मस्तक झुकाकर कहा, क्षमा करें पिताजी, पर मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे ऐसा मैं कदापि नहीं चाहता। और शिव जी मुस्कुराते हुए अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। कई संत महात्माओं ने अपने अनुभव से कहा है कि कपूर गौरम शंकर तो भगवान श्री राम से भी सुंदर हैं, पर वह अपना निज स्वरूप कभी प्रकट नहीं करते क्योंकि इससे उनके प्रियतम आराध्य श्री राम की सुंदरता के यश की प्रशंसा कम हो जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय श्री सीताराम, जय जय श्री गणेश। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।